स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। वीडियो के इस सेक्शन में जैसा कि सभी को पता है कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर मैंने जो फर्स्ट पेपर का है मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, और मैं सेकंड पेपर जो है उसका मॉडल पेपर देने के लिए मैंने कहा था। तो वीडियो के इस सेक्शन में डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका सेकेंड पेपर जो है शरीर रचना और क्रिया विज्ञान उसका मॉडल पेपर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि वीडियो के जो भी टॉपिक हैं और जो भी पॉइंट हैं जिसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूं तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन आपको सेकेंड पेपर में आपको मॉडल पेपर में मिलने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था, और जिन्होंने अभी भी फर्स्ट पेपर का जो मॉडल पेपर है अभी तक नहीं देखा है तो आप अपना फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर जा करके वीडियो के सेक्शन में जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आपको कि क्वेश्चन 7 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें से 5 के आंसर आपको देने होते हैं, और सभी क्वेश्चन के जो आंसर है वो सेम होते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर जो है 20 नंबर का होता है। तो 5 क्वेश्चन है तो 100 नंबर की आपकी थियरी है और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 600 नंबर का आपका टोटल पेपर होना है। तो ये जो सेकंड पेपर है वो है शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का। इससे पहले मैंने फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर दिया है तो वो फर्स्ट पेपर का जो मॉडल पेपर है वो आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य ब्रीद का है। उसमें मैंने 6 क्वेश्चन बताए हैं और 6 क्वेश्चन के अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने दे करके आप सभी को समझाया है। तो चलिए इस मॉडल पेपर को भी समझ लेते हैं। तो शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का पेपर है तो आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारे मानव जो शरीर है मानव शरीर से रिलेटेड ही हैं, और मानव शरीर की जो क्रिया विधि है किस तरह से शरीर कार्य करता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ चीजें हैं मैं बता देता हूँ, जिनके पास बुक्स नहीं है और अपने सेकंड पेपर का क्लास नहीं किए हैं या उसके टॉपिक्स नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो पेपर है बहुत ही आसान है। तो उसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, जैसे हार्ट का फंक्शन क्या है, लिवर फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स कितने तरह के होते हैं, कोशिकांग क्या है, कोशिकांग के काम क्या है हमारे शरीर में, ब्लड क्या कार्य करता है, ब्लड के ग्रुप कौन कौन से होते हैं, डोनर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ी जाने हैं। तो जितने भी चीजें हैं ऑर्गन जो बॉडी ऑर्गन है वो और उनके क्या कार्य हैं वही बस चीजें हैं, और कोई आपको एक्स्ट्रा कोई चीज इसमें नहीं पढ़नी है। तो इसके जो टॉपिक हैं वो भी सीमित हैं, बहुत छोटा पेपर है आपका, और थियरी भी देखें तो उसमें सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, बहुत ही आसान है। और मैं तो ये कहूंगा कि आपको अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो बुक है किसी भी राइटर की अगर मिलती है तो आप लेकर के एक बार जरूर देख लें, और क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आसान होते हैं, आप अगर एक बार बुक पढ़ लोगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन है कोशिका से संबंधित, कोशिका क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिकांगों के कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोशिका किसे कहते हैं। तो आपको पहले से ही पता है जीवित जीव के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को हम कोशिका कहते हैं, और जब कोशिकांग पूछ रहा है तो कोशिकांगों को भी आपको बताना हो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो भी उसके पार्ट हैं उसको हम कोशिकांग कहते हैं, उनका क्या कार्य है, कैसे ये कोशिकाओं में कार्य करते हैं और किस तरह से इनकी कार्यप्रणाली चलती है। तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, और बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप अपने शब्दों का प्रयोग करके बढ़िया से आप आंसर लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फिर आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। मानव हृदय की संरचना तथा कार्यों का विस्तृत वर्णन करना है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले बढ़िया से बना देना है, हमारा जो हार्ट है मानव हृदय जो है उसकी संरचना आपको अच्छी तरह से बना देनी है, हृदय कार्य कैसे करता है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, कितने पार्ट हैं और किस तरह से ये रक्त को संचारित करता है पूरे शरीर में, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप हेडिंग प्रॉपर हेडिंग करके आपको लिखना है तो आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, मतलब कि 20 नंबर मिलना है, लॉन्ग आंसर है आपका तो ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन आप अगर फिगर बहुत बढ़िया बना देते हो और थोड़ा कम भी लिखेंगे तो आपको मार्क मिल जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप फिगर अच्छे से बना करके बढ़िया से आप स्टेप बाय स्टेप हेडिंग प्रॉपर हेडिंग के साथ अगर लिखेंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। फिर
फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है रक्त के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए रक्त समूहों का वर्णन करें। तो रक्त के कार्य, शरीर में रक्त के कार्य क्या क्या हैं और रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो आपको पहले से ही पता होगा ब्लड का मेन कार्य क्या है, ब्लड का मेन फंक्शन ये है कि जितने भी न्यूट्रिशन जो हम फूड के माध्यम से लेते हैं, फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड एब्जॉर्ब करता है और पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य इसका होता है। तो रक्त का कार्य ये हो गया। फिर कह रहा है रक्त समूहों का वर्णन करें। तो रक्त समूह कितने होते हैं आपको पहले से पता है, रक्त जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो ए है, बी है, ए बी है, ओ है, जबकि आपको पता है कि ब्लड ग्रुप ए जो है ए को डोनेट कर सकता है, बी बी को डोनेट करेगा और ए बी जो है ए बी को देगा, ओ को देगा। लेकिन इसमें यूनिवर्सल जो डोनर है वो ओ होता है, सर्वदाता जिसको कहते हैं, वो सभी ग्रुप को दे सकता है, मतलब कि ओ को भी देगा, ए बी को भी देगा, बी को भी देगा और ए को भी देगा। उसी तरह ए बी जो है रिसेप्टर को कहते हैं, इसको सर्वग्राही कहा जाता है। तो ये सभी से ब्लड ले सकता है, मतलब कि ए बी से भी लेगा, बी से भी ले लेगा, ए से भी लेगा और ओ से भी लेगा। तो ये अगर आपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा, ये आसान है, आप आसानी से इसमें आंसर दे सकते हो। बढ़िया से इसको अगर समझा के लिखेंगे तो इसमें भी आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन, चौथा प्रश्न जो है, शरीर शब्द की व्युत्पत्ति और व्याख्या कीजिए। तो शरीर शब्द की व्युत्पत्ति मतलब कि शरीर किससे बना है, शरीर शब्द बना कैसे है, शरीर किसे कहते हैं, शरीर को परिभाषित करना है आपको। तो इसमें भी आपको शरीर की व्युत्पत्ति आयुर्वेद के अनुसार आपको देना है, इसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा, मूत्रवह संस्थान का सचित वर्णन करें। तो मूत्रवह संस्थान मतलब कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि इस प्रश्न में आपको यूरिनरी सिस्टम पूरा बना देना है, किडनी और यूरेथ्रा वगैरह सब चीजें दिखाते हुए आपको पूरे चीजों को एक जगह पे दिखा देना है। उसके बाद से इनका कार्य क्या है, शरीर में किस तरह से ये काम करते हैं, वेस्टेज कैसे रिमूव करते हैं, शरीर से बाहर कैसे निकलते हैं, इसका मेन वर्क क्या है, ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। फिर 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6वां प्रश्न जो है, प्रजनन संस्थान की व्याख्या करते हुए नर जननांगों के कार्यों को बताना है आपको। तो प्रजनन संस्थान की व्याख्या करना है, प्रजनन संस्थान क्या है, किस तरह से ये कार्य करता है और नर जननांगों में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रश्न के आंसर में लिखना है। फिर 7वां जो क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न जो है, शरीर दोष को समझाते हुए धातु मल का विवेचन करना है। तो शरीर दोष क्या है, तो शरीर दोष मतलब कि जिससे हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, शरीर की क्रियाविधि या कारण प्रणाली प्रभावित होती है, तो उसको शरीर दोष कहा जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, कुछ अस्थाई हैं, कुछ अस्थाई, अस्थाई मतलब कि जो जल्दी सही नहीं होने वाली हैं, और अस्थाई का मतलब कुछ समय के लिए आती हैं, जैसे व्याधियां हो गई और फिर उसके बाद से शरीर सही हो जाता है। इन चीजों को समझाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो धातुमल का विवेचन करना है, धातुमल हमारे शरीर में जो धातुएं हैं और शरीर में जो गंदगी हो जाती है, मल वगैरह जो हो जाते हैं, तो उनको अच्छी तरह से समझाते हुए स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर आपको देना है। तो ये रहे आपके 7 प्रश्न और 7ों प्रश्न में से आपको किसी 5 के आंसर देने होते हैं। तो आशा करता हूं कि अगर इस मॉडल पेपर को आपने अच्छे से समझ लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि शरीर रचना और क्रिया विज्ञान का जो पेपर है उसको पढ़ने में या समझने में या एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत होने वाली है। तो 7 प्रश्न में से कोई भी 5 प्रश्न का आंसर देना होता है। तो मैं एक बार कहूंगा कि आप इस पूरे क्वेश्चन मॉडल पेपर का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें 7 प्रश्न हैं और 7ों प्रश्न में से किसी 5 का आंसर देना है। तो जितने भी डी फार्मा के जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, उनका ये सेकंड पेपर था, मॉडल पेपर। मैंने समझा दिया आपको, आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आप छूट गई हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं उसको, उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे तक भी पहुँचे, दूसरे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है अपने कोर्स सिलेबस अपने पेपर के बारे में, उनके तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी हेल्प हो। तो ये कोशिश रहनी चाहिए आपकी। और एग्जाम आपके होने हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम होने हैं, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसके लिए मैं हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आपको जो भी कन्फ्यूजन है आप बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।